हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आवर फोर्थ ट्यूटोरियल इन सिमोन गेम डेवलपमेंट। हम लोग ने थर्ड ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे सी में हम लोग रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं रैंड फंक्शन की हेल्प से, एस रैंड फंक्शन की हेल्प से एंड टाइम डॉट एच फंक्शन की हेल्प से, एंड उस नंबर को कैसे यूजर इनपुट नंबर से चेक कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सी में डिले क्रिएट कर सकते हैं। तो सी में डिले क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्लॉक फंक्शन होता है जो कि टाइम डॉट एच लाइब्रेरी में डिफाइन होता है। तो हम लोग को अगर डिले क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्लॉक फंक्शन क्या होता है, क्लॉक पर सेकंड क्या होता है और इसका यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो जो क्लॉक फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है हमको क्लॉक टिक्स। तो ये हमको क्लॉक टिक्स रिटर्न करता है। क्लॉक टिक्स क्या होती है? क्लॉक टिक्स हमारी प्रोसेसर की साइकिल पर डिपेंड करती है। जो हमारा प्रोसेसर है, जो मेरा लैपटॉप है, उसमें जो प्रोसेसर है वो 1 सेकंड में 1000 साइकिल एग्जीक्यूट करता है। तो मेरे लैपटॉप में 1 सेकंड इक्वल 1000 क्लॉक टिक्स है। तो जो हमारा क्लॉक फंक्शन रिटर्न करता है वो हमारा रिटर्न करता है कि हमारा जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जब हमने उस फंक्शन को कॉल करा है तब तक कितनी क्लॉक साइकिल या कितने क्लॉक टिक्स प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करे हैं। तो अब हमको सेकंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्लॉक फंक्शन का जो आउटपुट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे क्लॉक पर सेकंड से। क्लॉक पर सेकंड क्या होता है? क्लॉक पर सेकंड हमको ये बताता है प्रोसेसर के हिसाब से 1 सेकंड में कितने क्लॉक टिक्स हैं, ये हमको क्या बताता है, क्लॉक पर सेकंड। तो अगर हमने क्लॉक फंक्शन को कॉल करा तो क्लॉक फंक्शन हमको रिटर्न करेगा कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग से जब हमने क्लॉक फंक्शन को कॉल करा है तब तक कितने क्लॉक टिक्स हो चुके हैं। अब हमको निकालना है कितने सेकंड हो चुके हैं, तो अब हम उसको डिवाइड कर देते हैं क्लॉक पर सेकंड से। तो ये हो गया कि कितने सेकंड हमारे प्रोग्राम से स्टार्टिंग से अभी तक हो गए हैं। अब हमको डिले कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको उस पॉइंट की क्लॉक टिक्स को क्या करना है, किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है जहां से हमको डिले स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेट स्टार्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। वेट स्टार्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ये हमको बताएगा टेल अस द स्टार्टिंग टाइम फॉर डिले। ये हमको स्टार्टिंग टाइम जिस पॉइंट ऑफ टाइम से हमको डिले क्रिएट करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वेट स्टार्ट में क्लॉक फंक्शन की वैल्यू स्टोर कर देंगे, मतलब वेट स्टार्ट इक्वल क्लॉक फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद जहां तक हमको डिले क्रिएट करना है, मतलब हमको समझ लीजिए 10 सेकंड का डिले क्रिएट करना है, तो 10 इंटू क्लॉक पर सेकंड। क्लॉक पर सेकंड हमको बताता है नंबर ऑफ क्लॉक टिक्स इन 1 सेकंड, हमारे केस में 1000 है, तो 1000 इंटू 10, तो हमारा इतना क्लॉक टिक्स होगा 10 सेकंड में। अब हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन पार्ट छोड़ देंगे, इसके बाद कंडीशन पार्ट में क्या लिखेंगे, क्लॉक फंक्शन को कॉल करेंगे माइनस वेट स्टार्ट, जिस समय से हमने स्टार्ट करा था डिले को काउंट करना, क्लॉक माइनस वेट स्टार्ट हमको क्या देगा, क्लॉक टिक्स देगा। डिफरेंस बिटवीन क्लॉक टिक्स, करंट फंक्शन जब क्लॉक कॉल हो रहा है उस समय का हमको क्लॉक टिक्स मिल जाएगा, माइनस जब से हमने डिले स्टार्ट करा है काउंट करने में, तो ये हमको डिफरेंस देगा। जब ये डिफरेंस हमारा क्या होगा, स्मॉलर होगा डिले इनटू क्लॉक्स पर सेकंड से, तो ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही ज्यादा हो जाएगा वैसे ही हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा, मतलब हमारा डिले कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिले क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, आपका सी लैंग्वेज में। यह हमारा सिमोन गेम का प्रोग्राम है। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा वेट स्टार्ट। ये वेरिएबल हमारा स्टोर करेगा कि जिस समय हमको, जिस टाइम से हमको डिले स्टार्ट करना होगा उस समय की वैल्यू, क्लॉक टिक्स की वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये हमारा कमेंट है, यहाँ हमने लिखा था कोड टू वेट 1 सेकेंड। अब यहीं पे हमको डिले के लिए कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये हमारा
ये स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा है, रैंडम नंबर को जनरेट कर रहा है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेट स्टार्ट में क्लॉक टिक्स की वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। एंड यहां पर हम लोग डिले के लिए कोड राइट कर देते हैं। क्लॉक फंक्शन को हमने कॉल करा, यहां पे वेट स्टार्ट को सब्सट्रैक्ट करा उसमें से। अब इनकी वैल्यू स्मॉलर देन डिले इनटू क्लॉक्स पर सेकेंड होती है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा। यहां पे हम कमेंट लिख देते हैं, वेट डिले सेकेंड्स। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कोड टू ओवरराइड द डिजिट सीक्वेंस। अब हमको डिजिट सीक्वेंस को ओवरराइड करना है, तो हम आपको एक दिखाते हैं, ये हमारा सिमोन गेम था। अब हमको क्या करना है, प्रेस इंटर टू प्ले। हमने इंटर करा, 4-1 आया। जब 4-1 आ गया तो हमने 4 और 1 इंटर करा। अब 3-6 आया तो आपने देखा कि करेक्ट के नीचे 3 space 6 था, उसके बाद क्या हुआ, 1 सेकंड का डिले हुआ, उसके बाद 3 और 6 रिमूव हो गया। तो अब हमको यही काम करना है कि जो 3 और 6 हमारा डिस्प्ले हुआ था उसको रिमूव करना है। तो अगर हम 3 6 डालते हैं तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं 9-1 आया और 9-1 रिमूव हो गया। तो ऐसे ही अब हमको रिमूव का काम करना है। तो अब हम रिमूव कैसे करें, हम लोग ने पढ़ा है कैरेज रिटर्न, जो कि आपका एस्केप कैरेक्टर होता है। अब हम उसका यूज करके जो सीक्वेंस प्रिंट हो रही है उसको रिमूव करेंगे। तो हम लोग कैरेज रिटर्न की हेल्प से जो सीक्वेंस प्रोग्राम डिस्प्ले कर रहा है मॉनिटर पे, हम उसको रिमूव करेंगे। मतलब जिस लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है उस लाइन को रिमूव करेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि जो हमने यह फंक्शन यूज करा है, फॉर अनसाइंड इंट i=1, i> प्लस प्लस, यहाँ पे i होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, प्लस प्लस i, प्रिंट f परसेंट डी रैंडम नंबर। तो इसमें हमने कहीं भी लाइन चेंज नहीं करी है। तो कैरेज रिटर्न का काम क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो करंट लाइन के स्टार्टिंग पे कर्सर को मूव कर देता है और जो भी करंट लाइन में लिखा रहता है उन सबको रिमूव कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैरेज रिटर्न का यूज करते हैं, प्रिंट एफ एंड इसके अंदर कैरेज रिटर्न। टू स्पेसेस क्रिएट करने के लिए हमने इस लूप का यूज करा है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या करा है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट करा है, उसके बाद हमने अगर पहली ट्राई है, पहली चांस है, तो नाउ यू इंटर द सीक्वेंस डोंट फॉरगेट स्पेस, तो हमने एक यूजर के लिए मैसेज प्रिंट करा है। जब पहली चांस होगी तभी ये मैसेज प्रिंट होगा, बार बार अगर हम लोग करेंगे तो टीडियस हो जाएगा कोड का स्ट्रक्चर। तो अगर पहली चांस नहीं है तो सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, कैरेज रिटर्न को कॉल कर देंगे और उस लाइन को क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 95 95 आया, तो नाउ यू इंटर द सीक्वेंस डोंट वॉक एट द स्पेस, पहली बार आ रहा है, इसके बाद नहीं आएगा 1 8 1 8 1 5, तो ओनली फॉर वन टाइम। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले हमने ये देखा आप डिले कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिले क्रिएट करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है यहाँ पे टाइम टी टाइप का, वेट स्टार्ट जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी हमने, उसके बाद क्या करा हमने उसको इनिशियलाइज करा यहाँ पे, वेट स्टार्ट इक्वल क्लॉक फंक्शन को कॉल कर दिया, क्लॉक फंक्शन ने क्या करा करंट टाइम का हमको नंबर ऑफ क्लॉक टिक्स सेव कर दी वेट स्टार्ट में। जब से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था तब से लेके जब हमने कॉल करा है उस समय तक का इसने क्लॉक टिक्स वेट स्टार्ट में स्टोर कर दी। उसके बाद हमने रैंडम नंबर्स को जनरेट करा, प्रिंट कराया, उसके बाद हमने डिले चेक करा, डिले चेक करने का हमने आपको मेथड बताया ही था, उसके बाद हमने कैरेज रिटर्न को कॉल करा, उसके बाद हमने स्पेस क्रिएट करा, उसके बाद हमने अगर ट्राइज की वैल्यू 1 है तो उसके लिए कोड लिखा है, ट्राइज की वैल्यू 1 है तो हमने एक यूजर के लिए मैसेज प्रिंट करा, अगर 1 नहीं है तो हमने कैरेज रिटर्न को दोबारा कॉल कर दिया। थैंक यू फॉर दिस ट्यूटोरियल।